क्या हुआ जब हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के दौरान शिव भक्त मंदिर की रक्षा करने आ गए स्वयं शेषनाग और जिन भी लोगों ने नजारा देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इस घटना की शुरुआत होती है भारत की राजधानी दिल्ली शहर से। यहाँ पर रहने वाले विजय और अनीता नाम के दो पति पत्नी हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में घूमने के लिए रवाना हुए। वे हिमाचल प्रदेश की सुंदरता को देखना चाहते थे और मंडी शहर पहुंचकर वे लोग वहां से 70 किलोमीटर दूर बरदोद गांव पहुंचे। ये पूरा ही गांव प्राकृतिक नजारों से भरा हुआ है। उन्होंने यहां पर पूरा एक दिन बिताया और अगले 2 से 3 दिन वे मंडी शहर में ही घूमते रहे, लेकिन मौसम धीरे धीरे बदलता जा रहा था। तभी उन्होंने पंचवक्त मंदिर के बारे में सुना कि यह मंडी शहर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। पंचवक्त मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति है और जिसके 5 मुख हैं। मान्यता है ये 5 मुख के अलग अलग रूप है जिनमें ईशान, अघोरा, वामदेव, तत्पुरुष और रुद्र को दर्शाते हैं। इस मंदिर का मुख्य द्वार व्यास नदी की ओर है। जब विजय और अनीता पंचवक्त पर मंदिर पहुँचे तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश होना शुरू हो गई। उन्होंने महादेव की पंचमुखी वाली शिवलिंग के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए और वे उस समय इसी मंदिर के आसपास कहीं ठहर गए, लेकिन देखते ही देखते बारिश बहुत ज्यादा बढ़ गई और ब्यास नदी अपने उफान पर आ गई। शाम होते होते मंदिर के आसपास जल प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। विजय और अनीता मंदिर के पास एक धर्मशाला में रुके हुए थे और ये पूरा नजारा अपनी आँखों से देख रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है। शाम के समय अत्यधिक वर्षा के कारण ब्यास नदी में अचानक बहुत भयंकर बाढ़ आ गई। मंडी शहर के कई सारे पुल टूट गए। वहां जितने भी पेड़ थे सभी बाढ़ की चपेट में आकर उखड़ कर बहते जा रहे थे। तभी बाढ़ ने उस धर्मशाला को भी अपना शिकार बना लिया जहां पर विजय और अनीता रुके हुए थे। कई सारे लोग बाढ़ की चपेट में आकर बाढ़ के साथ बह गए, लेकिन विजय और अनीता ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था, लेकिन बाढ़ के प्रवाह में उनका हाथ छूट गया और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से अलग होकर बाढ़ के प्रवाह में बह गए। विजय जी ने आपदा कर्मचारी को बताया कि वो स्थिति बहुत भयानक थी और बाढ़ के प्रवाह में बहते बहते भी वे लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बाढ़ के साथ साथ जब मैं पंचवक्त मंदिर में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस भयंकर बाढ़ में सभी चीजें क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, लेकिन पंचवक्त मंदिर ज्यों के त्यों खड़ा हुआ था। उस मंदिर का बाल भी बांका नहीं हो पाया था। इस भयंकर बाढ़ के आगे आधुनिकता तो चुटकियों में बह गई, लेकिन इतिहास सीना ताने खड़ा था। विजय जी बताते हैं कि जब वो बहते बहते मंदिर के पिछले भाग में चले गए तब उन्होंने जो नजारा देखा वो वाकई में चौंकाने वाला था, क्योंकि स्वयं भगवान शेषनाग उस मंदिर की भयंकर बाढ़ के प्रकोप से रक्षा कर रहे थे। बाढ़ के प्रवाह में बहते बहते अचानक से विजय जी एक पेड़ से टकरा गए और उस पेड़ को उन्होंने कसकर पकड़ लिया। बाढ़ का भयंकर प्रकोप अभी भी बरकरार था, लेकिन रात के समय 3-4 घंटे बाद वापस स्थितियां सामान्य हुई। तब विजय जी ने देखा कि उनकी जान सही सलामत है और यह चमत्कार था स्वयं महादेव का। लेकिन उन्हें अपनी पत्नी अनीता की बड़ी चिंता सता रही थी, क्योंकि इस बाढ़ में कई हजारों लोग पानी में बह चुके थे। लेकिन महादेव का एक और चमत्कार ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी अनीता उन्हें एक सरकारी कैंप में सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हुई। विजय जी बताते हैं कि जब भी मैं इस चमत्कारिक घटना के बारे में दुनिया वालों को बताता हूँ तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता है। आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइए, क्या पंचवक्त मंदिर का इस तरह से भयंकर बाढ़ के प्रकोप के बावजूद भी ज्यों के त्यों खड़े रहना ये क्या किसी चमत्कार से कम है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।